साहस है तो देश की जनता को बताइए, उसका खंडन करिए कि ये तो झूठ बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी अगर बोले तो हम सबों का सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है कि कोई नहीं जानता है कि उनके परिवार में कौन कौन सदस्य है। आपको परिवारवाद पर बोलने का कौन सा है? और 1.5 घंटा तक उन्होंने सिर्फ INDIA गठबंधन पर ही बोलते रहे, खुद घबराहट में है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आज जमकर हुंकार भरी है। देखिए, अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं और उससे पहले INDIA इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस बनकर तैयार हुआ है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को बड़ी बैठक भी होनी है महाराष्ट्र में। उससे पहले JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह आज जब नालंदा के राजगीर में थे, जहां पर प्रशिक्षण शिविर था JDU के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, उसमें हुंकार भरते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ खूब आवाज़ उठाई है। काला धन लाएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, पुलवामा में जो शहीद हुए जवान उन पर क्यों नहीं चुप्पी टूटती है, देश से माफ़ी क्यों नहीं मांगी जब पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने इतना कुछ कह दिया उनके बारे में। इसके अलावा नीतीश कुमार को लेकर भी उन्होंने कहा है, परिवारवाद कहाँ दिखता है? नीतीश कुमार ही है वो वजह जिसके कारण तमाम जितने गैर भाजपाई दलें हैं वो एकजुट हुई हैं, और नीतीश कुमार ने जो हिम्मत जुटाकर ये काम किया है इससे बेचैनी में है, घबराहट में है बीजेपी वाले। ललन सिंह क्या कुछ कह रहे थे, जरा सुनिए। विदेश से काला धन वापस ले आएंगे, हर गरीब के खाता में 10 से 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे। जनता ने कहा, विश्वास कर लिया, भरोसा कर लिया। हम लोग भी चुनाव लड़ रहे थे 2014 में, जो लड़के, नौजवान लड़के इंजीनियरिंग मेडिकल कहीं कहीं बाहर पढ़ रहे थे, सब पढ़ाई छोड़ छोड़ के गांव आ गए थे, अपने माता पिता को हाथ जोड़ जोड़ रहे थे कि भाई वोट दे दीजिए मोदी जी को, हम लोग को नौकरी मिल जाएगी। नौकरी देने की बात तो छोड़ दीजिए, सरकारी विभागों में जितनी नियुक्तियां होती थी उन सारी नियुक्तियों पर प्रतिबंध लग गया और कोई नियुक्ति 2014 के बाद से केंद्र सरकार में नहीं हो रही। किया क्या उन्होंने? सेना में जो सबसे ज्यादा नियुक्ति वाला विभाग था वो विभाग था डिफेंस, सेना में सबसे ज्यादा बहाली होती थी, हर साल कैंप लगता था घूम घूम के हर जिला में, दौड़ होता था और दौड़ में नौजवान पास करते थे और उनको सेना में नौकरी मिलती थी। क्या किया वहां उन्होंने? 3 लाख से ज्यादा नौजवान पहले से दौड़ में पास कर गए थे, उनका मेडिकल हो गया था, उन सारी नियुक्ति पत्र को, उनको सिर्फ नियुक्ति पत्र जारी होना था, उसको फाड़ के फेंक दिया और 4 साल के लिए अग्निवीर बना देने का काम किया। यही मजाक कर रहे हैं आप नौजवानों के रोजगार के साथ? आपने भावना भड़का के इस देश की जनता को बरगला के कि हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, नौजवानों को आपने भड़काने का काम किया और उनकी भावना को भड़का के आपने वोट लिया, शासन में आए और उसके बाद भूल गए। इन्होंने कहा कि 15 लाख सब काला धन लाएंगे, सबके खाता में 15 से 20 लाख पहुंचाएंगे। काला धन लाने की तो बात छोड़ दीजिए, इनके शासन काल में रहते रहते विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी 1000 करोड़ रुपया इस देश का काला धन लेके विदेश चला गया, 1 रुपया काला धन तो ला नहीं पाए और बाकी 3 लोगों को काला धन लेके भेज दिया इन्होंने, भावना भड़का। अब नहीं बोलते हैं कि रोजगार देंगे। 2019 में पुलवामा की एक घटना हुई थी, पूरे देश बहुत ही, पूरा देश के नौजवान और पूरा देश आक्रोशित था कि पुलवामा में हमारे 40 CRPF के जवान शहीद हो गए आतंकवादी घटना में, पूरे देश को तकलीफ था, हर घर में, हर गांव में, हर गली में कैंडल मार्च और मोमबत्ती लेके प्रदर्शन किया जा रहा था उन शहीदों के याद में, और इनके बनाए हुए राज्यपाल, इनके बनाए हुए राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक जी ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में यह कहा कि पुलवामा की जो घटना हुई उसके 3 महीना पहले हमने कहा था केंद्र की सरकार को
कि ये सेना अति सीआरपीएफ के जवानों को हवाई जहाज से यहां से वहां पहुंचाइए। 3 महीने तक सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया और अंत में कहा कि गाड़ी से इन लोगों को पहुंचाइए। आतंकवाद का जो प्रदेश था जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पूरा सड़क की बिना जांच किए हुए सारे सेना के जवानों को आपने भेज दिया और आतंकवादी घटना में 40 लोग मारे गए। सत्यपाल मलिक जी ने यह भी कहा कि घटना के बाद मुझको प्रधानमंत्री जी ने फोन किया और पूछा कि क्या घटना हुई थी। मैंने कहा उनको कि हम लोगों से चूक हुई, हमारी सरकार से चूक हुई, और प्रधानमंत्री ने कहा कि चुप रहिए, कुछ मत बोलिए, एक शब्द मत बोलिए, जवान बंद रखिए। हमारे बनाए हुए गवर्नर नहीं थे, कोई नीतीश कुमार जी ने उनको राज्यपाल नहीं बनाया था, उनको राज्यपाल आपने बनाया था। और अगर उन्होंने गलत कहा, अगर तथ्य नहीं है उसमें, तो आपको अगर साहस है तो देश की जनता को बताइए, उसका खंडन करिए कि ये झूठ बोल रहे हैं। और अगर खंडन नहीं कर सकते हैं तो जो भूल आपने किया है, अपने 40 आपके भूल के कारण जो हमारे 40 जवान शहीद हुए, उसके लिए इस देश की जनता से क्षमा मांगने का काम करना चाहिए। 2023 में अभी पार्लियामेंट में, संसद में जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रहा था, तो बड़ा गला फाड़ के उन्होंने कहा कि अबरी अगर हम फिर आ गए तो देश का तीसरा आर्थिक संपन्न देश, ये विश्व का तीसरा देश बनेगा। अरे भैया, कहां से बनेगा? एक डॉलर का कीमत 82 रुपए 83 रुपए होते जा रहा है, आपका देश आर्थिक रूप से कैसे संपन्न करोगे, इसका रोड मैप इस देश की जनता को क्यों नहीं बता रहे हो? जुमलेबाजी करते। अभी लाल किले पर भाषण दे रहे थे 15 अगस्त को, कहा कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण, इस 3 की से लड़ना है। भ्रष्टाचार पर तो हमने भाषण सुना था आपका, आप जब अमेरिका गए थे अभी 1.5 महीना पहले, और जब अमेरिका से लौट के आए तो भोपाल में आपने भाषण दिया और आपने कहा कि महाराष्ट्र में एनसीपी के जितने नेता हैं, 70,000 करोड़ का घोटाला, ऐसे ऐसे करके हाथ करके भाषण दे रहे थे, 70,000 करोड़ का जमीन घोटाला, तो सिंचाई घोटाला, क्या घोटाला, कई तरह के घोटाले हैं, और 36 घंटा के अंदर सभी घोटाले वाजों को अपने वॉशिंग मशीन में डाल के निकाल में और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बना देने का आपने काम किया। और आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करते हैं, आप तो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। कर्नाटक में चुनाव हो रहा था, कर्नाटक के चुनाव में हर गली में, हर घर में, हर चौक पर, हर चौराहे पर एक ही चर्चा थी, 40% वाली सरकार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लाख प्रचार करके आप थक गए, बजरंगबली जी का भी आपने नाम लिया, जय बजरंगबली बोलो और कमल छाप पर भोट बटन दबाओ। बजरंगबली जी ने भी कहा कि भाई तेरा पाप से तो तुम्हारा घड़ा भर गया है, हमको बजरंगबली को काला बीच में ला रहे हो भैया, हमारा जान छोड़िए, अपना पाप से समटिए। अच्छा, हार गया चुनाव, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। आप लोग को आश्चर्य होगा यह जान के कि महाराष्ट्र में वैसे वैसे लोगों को मंत्री बनाया गया जिनको इसी सरकार ने, जब उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी वहां, और एनसीपी के उन नेताओं को इन्होंने ईडी ने जेल में बंद किया था, और जेल में बंद किया था वैसे लोगों को फिर से अपनी पार्टी में लाके और मंत्री बना देने का काम किया, और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और भ्रष्टाचार पर भाषण दे रहे हैं। परिवारवाद पर भाषण दे रहे हैं, परिवारवाद की चर्चा कर रहे हैं, भाई नाम जोड़ाएं, अनुराग ठाकुर से लेके, दुष्यंत सिंह से लेके, रविशंकर प्रसाद से लेके, राजनाथ सिंह आपके रक्षा मंत्री के पुत्र विधायक, कौन नहीं है वहां
सिद्धारमैया सारा तो आपका परिवारवाद भरा हुआ आपके पार्टी में, और आप परिवारवाद पर बात कर रहे हैं। अरे परिवारवाद पर हमारे पार्टी के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी अगर बोले तो हम सबों का सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है कि कोई नहीं जानता है कि उनके परिवार में कौन कौन सदस्य है। आपको परिवारवाद पर बोलने का कौन सा हक है? आपके बगल में जो बैठते हैं अमित शाह जी, उनका पुत्र आज कहां से कहां पहुंच गया अजय शाह, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? परिवारवाद के बारे में अगर बोलते हो तो कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। निगाह है 2024 पर, निशाना बना रहे हैं परिवारवाद। कौन इस देश में, अब इस देश की जनता सब आपका समझ गई, अब कर रहे तुष्टीकरण। तुष्टीकरण तो कोई नहीं कर रहा, तुष्टीकरण तो सिर्फ आप ही कर रहे हैं। सुबह से शाम तक एक ही काम करते हैं, धार्मिक उन्माद समाज में कैसे फैले? क्योंकि अगर धार्मिक उन्माद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब नहीं करिएगा तो वोट कौन देगा आपको? अब तो जनता आपका समझ गई है कि आपने पूरे देश की जनता को छलने का काम किया है, आपने देश की जनता को छला है। तो इसलिए अब देश की जनता तो जान गई है, अब आप पर कौन भरोसा करेगा, अब आप पर कौन विश्वास करेगा? तो धार्मिक उन्माद फैलाते। भाई इस देश में हर व्यक्ति को अधिकार है, हर व्यक्ति को अधिकार है अपने धर्म के प्रति आस्था रखने का। हिंदू भी रखते हैं, मुसलमान भी रखते हैं, सिख भी रखते हैं, ईसाई भी रखते हैं, हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। लेकिन वो आस्था रखते हैं मन से, आस्था मन से रखते हैं, सड़क पर उसका प्रचार नहीं करते हैं। और आप अगर एक मंदिर में पूजा करने के लिए चले गए किसी मंदिर में, तो तीन दिन तक पूरे देश के टेलीविजन पर चलता रहेगा कि मोदी जी इसका, आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि इस मंदिर में गए कैसे उन्होंने चरण स्पर्श किया, कैसे उन्होंने सर झुकाया, कैसे उन्होंने जल चढ़ाया, यही काम तीन दिन तक चलता रहेगा पूरा देश। तो तुष्टिकरण तो आप कर रहे हैं, हम लोग तो इस देश में, इस देश का जो संविधान है कि सर्वधर्म, सर्वधर्म का सम्मान होगा, उस देश के सम्मान की रक्षा कर रहे हैं हम लोग, तो इस सम्मान की रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं। और आप संविधान मोदी जी के नाम से लिखना चाहते हैं, इतिहास को बदलना चाहते हैं, हर काम अपने खाते में करना चाहते हैं। अब इंडिया गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन नहीं है, उसका नाम है INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। तो अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रहा था, कौशलेंद्र जी तो थे ही, बहस हो रहा था अविश्वास प्रस्ताव पर। तो अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रहा था तो आपको अपना उपलब्धि ना बताना चाहिए था कि भाई 9 साल में हमने ये काम किया। नहीं, 1.5 घंटा तक हम लोग भाषण उनका सुनते रहे, और 1.5 घंटा तक उन्होंने सिर्फ INDIA गठबंधन पर ही बोलते रहे। बहुत घबराहट में है, बहुत परेशान है। और ये उपलब्धि आपके, आपकी पार्टी के सम्माननीय नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का है, जिन्होंने पूरे देश को एक करने का काम किया। लेकिन है बहुत घबराहट में थे, बहुत घबराहट में थे, और इसलिए आल बल अनाप शनाप जो समझ में आ रहा है बोल रहे हैं। अरे आप जितना बोलते हैं पूरे संसद में, संसद के बाहर पत्रकार लोग कह रहे थे कि आज तक इस देश का प्रधानमंत्री ऐसा भाषण नहीं दिया था। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने क्या कुछ हुंकार भरी है राजगीर में, आपने सुना है। देखना यह है कि आने वाले समय में इंडिया की जो बैठक होगी उसमें नीतीश कुमार की भूमिका क्या कुछ तय की जाती है, नीतीश कुमार क्या संयोजक बनाए जाएंगे, इस बात पर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन ललन सिंह ने जो हुंकार भरी है नालंदा के राजगीर में, आपने सुना है कैसे विरोधियों को करारा जवाब भी दिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।